कोविड जब भी ये शब्द कानों में पड़ता है तो सिवाय बदलाव और मायूसी के दूसरी कोई तस्वीर आंखों में उतरती ही नहीं है। आबाद गलियों से लेकर खचाखच भरे मैदानों तक हर जगमग जगह ने मौत का सन्नाटा देखा था। इन सब की शुरुआत भले ही दुनिया में 2019 से हुई थी, लेकिन उस सन्नाटे का असर ये था कि हर छोटा बड़ा इवेंट कोरोना के इर्द गिर्द ही बना जाता था। जैसे 2020 में इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप पहले कोविड की दूसरी वेव के चलते 2021 में गया, और फिर जब तीसरी वेव का खतरा बना तो इसे इंडिया से बाहर शिफ्ट करने की बातें उड़ने लगी, जिसमें पहला नाम ऑस्ट्रेलिया और दूसरा श्रीलंका का आगे आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगले साल भी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना था। इसलिए कंगारू क्लब ने 2021 के इमरजेंसी वर्ल्ड कप को करवाने से मना कर दिया, जबकि लंका में राजनीतिक संकट चल रहा था। ऐसे में यूएई के साथ ओमान का नाम होस्ट देशों में आया। बस इतनी सी कहानी है। 2020 में इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 2021 में हुए यूएई में T20 वर्ल्ड कप बनने की, लेकिन ये वेन्यू शिफ्ट होना इस वर्ल्ड कप की नाटकीय कहानी का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक के एडिशन में 5 साल का बड़ा गैप हो गया था। इसलिए फैंस समेत प्लेयर्स में भी एक्साइटमेंट काफी थी। यही वजह है कि यह वर्ल्ड कप इस तरह की कई कहानियों से भरा पड़ा है। इसलिए ये T20 वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस सीरीज का 7वां एपिसोड अपने आप में किस्सों का एक मेला है। तो चलिए इस सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड को कुछ खट्टे और कुछ मीठे किस्सों के साथ यादों के झरोखों में समेटते हैं। नया वर्ल्ड कप, नए मसले। इंडिया से होस्टिंग जाना और ओमान यूएई को मिलने की कहानी जितनी आसानी से हमने आपको ऊपर बताई, वो भले ही उतनी आसान नहीं थी, उस कहानी में विमेंस वर्ल्ड कप की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर होस्टिंग छोड़ने का प्रेशर था, लंका पर सवालों की झड़ी थी, और सबसे ज्यादा इंडिया को होस्टिंग जाने का मलाल था, क्योंकि ICC टूर्नामेंट इतनी आसानी से मिलते नहीं है। ऐसे में इंडिया से बाहर इंडिया का टूर्नामेंट होना किसी हार से कम नहीं था। हालांकि BCCI ने चालाकी चलते हुए टूर्नामेंट यूएई और को होस्ट ओमान को दिलवाया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना और प्रॉफिट का शेयर मिल सके, साथ ही जर्सी पर 2021 T20 वर्ल्ड कप इंडिया का लोगो भी छप सके। कई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के बाद ऐसा ही हुआ। होस्ट के तौर पर यूएई और ओमान ने बाजी मार ली, लेकिन इस वर्ल्ड कप तो शायद किसी बुरी आत्मा का साया था। जैसे तैसे करके प्लेयर्स कोविड के बाद इतने बड़े इवेंट के लिए रेडी हुए, तो वर्ल्ड कप से ठीक 2 हफ्ते पहले साइक्लोन शाहीन ओमान के उस हिस्से से टकरा गया जहां से अमीरात स्टेडियम कुछ माइल्स की दूरी पर था। माहौल फिर से पोस्टपोन का बनने लगा। तभी ओमान क्रिकेट के तब के चेयरमैन पंकज खिमजी ने बात संभाली, और इस तरह यूएई समेत ओमान पहली बार कोई ICC इवेंट होस्ट करने वाली नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री बनी। इस वर्ल्ड कप में तमाम जद्दोजहद के साथ एक और चीज नहीं थी, मैचों की संख्या। आप सोचेंगे फॉर्मेट से लेकर टीमों का नंबर सब पुराने वर्ल्ड कप जैसा, तो मैचों का नंबर कैसे बढ़ सकता है? दरअसल इस बार के फॉर्मेट में क्वालिफाइंग राउंड से एक नहीं दो टीमें लीग स्टेज के पहले से बने 2 ग्रुप्स में जाती। इस तरह ग्रुप स्टेज अब सुपर 10 से सुपर 12 बन गई थी। दोस्तों इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले मैचों के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, जबकि अफगानिस्तान सीधे सुपर 12 का पार्ट होगी। इतना ही नहीं, क्वालिफाइंग राउंड में लंका के ग्रुप में नामीबिया, नीदरलैंड्स और आयरलैंड के होने से ग्रुप मुश्किल भी लग रहा था। मगर लंकाई शेयरों ने जिस डोमिनेटिंग वे में नामीबिया को 7 विकेट, आयरलैंड को 70 और नीदरलैंड्स को 44 पर आउट करके 8 विकेट से हराया था, वो एकदम कमाल था। हालांकि असली कमाल तब हुआ जब नामीबिया ने नीदरलैंड्स और आयरलैंड दोनों को 6 और 8 विकेट से पटकनी देकर अगले राउंड में क्वालिफाई किया, क्योंकि जिस अंदाज में कर्टिस कैम्पर के रिकॉर्ड 4 बॉल्स पर 4 विकेट के दम पर आयरलैंड ने पहले मैच में डच टीम को पटकनी दी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि आयरिश टीम का एक पैर तो सुपर 12 में है। लेकिन नामीबिया ने आकर के चौंकाते हुए पासा ही पलट दिया और पूरे वर्ल्ड कप का आकर्षण एकदम से अपनी तरफ खींच लिया, जिसे थोड़ा सा कम किया दूसरे ग्रुप में स्कॉटिश टीम के कारनामे ने, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप में लंका थी उसी तरह उस ग्रुप में बांग्लादेश के दबदबे की उम्मीद थी। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक ओमान और पापुआ न्यू गिनी को फिजो और शाकिब के दम पर भटकनी भी थी, लेकिन पहले ही मैच में स्कॉटलैंड से हारने ने बांग्लादेश की जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जबकि स्कॉटिश टीम ने मिली अच्छी शुरुआत को ओमान और पापुआ न्यू गिनी को हरा करके कायम रखा और सुपर 12 में डोमिनेटिंग वे में जगह बनाई। इस तरह सुपर 12 के लिए श्रीलंका, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश और नामीबिया आगे चले, क्योंकि बांग्लादेश अपने ग्रुप में नंबर 2 और लंका नंबर 1 पर थी, तो दोनों एक सुपर 12 के एक ही ग्रुप में जा धमकी। वो ग्रुप जहां पर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न इंडीज पहले से ही थे। इस तरह से ये ग्रुप बन गया ग्रुप ऑफ डेथ। इस ग्रुप ऑफ डेथ की कहानी हमारे इस एपिसोड की तीसरी हाईलाइट है। जब आप 2021 T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल उठाएंगे तो आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ साथ अफ्रीका के भी 8 पॉइंट्स यानी 4 जीते हैं, मगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली 5 विकेटों की बड़ी हार अफ्रीका के लिए नासूर बन गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद जैम्पा के कसे हुए स्पेल के दम पर लंका को 7 विकेट से हराया, जबकि जैम्पा के पंजे के दम पर कंगारू ने बांग्लादेश को 73 पर ऑल आउट करके 8 विकेट से रौंद दिया, और इतने ही विकेट से वेस्टइंडीज को गेल के फेयरवेल मैच में हरा करके चलता भी किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीतें इतनी बड़ी अंतर से आई थी कि उन पर इंग्लैंड से मिली 8 विकेट की बड़ी हार का भी कोई खास असर नहीं हुआ, जबकि इंग्लैंड ने भी बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल में
बांग्लादेश, लंका और वेस्ट इंडीज को धोया। खास करके वेस्ट इंडीज को तो इंग्लिश टीम ने आदिल रशीद के 2 रन देकर 4 विकेट वाले जादुई स्पेल के दम पर 55 रन पर ही ऑल आउट करके 6 विकेट से 2 पॉइंट्स ले लिए। इंग्लैंड के लिए तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक वो साउथ अफ्रीका से ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 10 रनों से हारे नहीं थे। इधर लंका, बांग्लादेश और कैरिबियाई टीम को हराने वाली अफ्रीकी टीम के बिगड़े रन रेट के चलते भले ही आगे जाने के रास्ते बंद थे, मगर उन्होंने इंग्लिश टीम की रिदम जरूर बिगाड़ दी थी। बाकी इन तीनों के अलावा डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज ने निराश किया और बांग्लादेश एक बार फिर लीग राउंड में खाली हाथ ही रहा, जबकि सबसे सही खेल रहा श्रीलंका का। वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को हराने के अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी हराने वाले थे, बस मेन मोमेंट्स पर चूक गए, वरना आज 2021 वर्ल्ड कप की स्टोरी कुछ और ही होती। इस वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 जितना मुश्किल और रोमांचक था, उतना ही आसान और एक तरफा था ग्रुप 2। वहाँ इंडिया, पाकिस्तान आउट, न्यूजीलैंड के सामने अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड जैसी कमजोर चुनौतियां थी। इस कॉम्बिनेशन से ही साफ हो जाता है कि बड़ी टीमों के एक दूसरे के खिलाफ वाले मैच कितने जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से दोनों ही मैच हार जाना इस वर्ल्ड कप से इसकी जान ले गया। खास करके वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारने वाले रिकॉर्ड के 10 विकेट की हार से टूटने के बाद इंडियन प्लेयर्स का जो हौसला हिला हुआ था वो न्यूजीलैंड के सामने भी नजर आया। प्लेइंग 11 के साथ एक्सपेरिमेंट होने लगे और प्लेयर्स का मोरल एकदम से डाउन हो गया। न तो कैप्टन कोहली की एनर्जी काम आई और ना ही धोनी की मेंटरशिप। हालांकि इंडिया को इसके बाद अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड से मैच खेलने थे, जीतने थे और जीते भी, मगर वहाँ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का किसी छोटी टीम से नहीं हारना भारी पड़ गया, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद थी इंडिया के क्वालिफाई करने की। वैसे इस वर्ल्ड कप में फैंस को तड़पाने वाला लम्हा अगर इंडिया को बाहर होना था तो जलाने वाला लम्हा पाकिस्तान की तगड़ी परफॉर्मेंस थी। वो पाकिस्तान जो इंडिया से जीती थी उसकी एक हार जरूरी थी, लेकिन क्या न्यूजीलैंड और क्या अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने दोनों फंसे हुए मैच आसिफ अली के करिश्मे से जीत ली और पाकिस्तान बिना हार के डोमिनेट करते हुए अगले राउंड में चली गई। उनके साथ वहां से कीवी टीम भी अगले राउंड में गई। इस नॉकआउट में न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड और पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया का आना तय हुआ, जबकि इंडिया का 2007 के बाद एक और बेहद निराशाजनक वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड कप इंडिया की हारों की वजह से बेहद ही नीरस हो गया था, मगर पाकिस्तान की जीत की वजह से इंटरेस्टिंग है। यही वजह थी कि पहले सेमीफाइनल से ज्यादा दूसरे सेमीफाइनल के लिए फैंस एक्साइटेड थे, मगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के आमने सामने होने से 2016 वाले वर्ल्ड कप की यादें जरूर ताजा हो गई, क्योंकि सेम यही दोनों टीमें वहां भी थी। बस फर्क ये था, चेज करते हुए जीत हासिल की थी और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने, वहाँ इंग्लैंड एक तरफा ढंग से आगे आया था। या न्यूजीलैंड बुरी तरह से पिछड़ने के बाद डेरिल मिचेल के नाबाद 72 रनों के दम पर बाजी मार गया था। इस तरह से न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीतकर फाइनल में पहुंच गए, जहां उनके सामने वाली टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भिड़े। उस मैच का 80% पार्ट पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और सबको लग रहा था कि अपने डोमिनेटिंग अंदाज में ही पाकिस्तान ये मैच भी निकाल ले जाएगा, लेकिन मैथ्यू वेड का कैच हसन अली से छूटना था और पाकिस्तान की हार शाहीन अफरीदी के माथे पर आनी थी। एक के बाद एक छक्के पड़े और लास्ट के लम्हों में पाकिस्तान के हाथ सिर्फ हार आई। इस तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तय हुआ, क्योंकि ग्राउंड दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, इसलिए न्यूजीलैंड को केन की एंकर इनिंग के साथ नीचे से पिंच हिट मिलना जरूरी था, मगर कीवी टीम को सिर्फ केन की 85 रनों की एंकर मिली और वो सिर्फ 172 तक ही जा पाए, जो कि मार्च के ताबड़तोड़ 77 रनों के आगे काफी छोटा लगने लगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा ढंग से रोमांचक वर्ल्ड कप का फाइनल 8 विकेट से जीत लिया और पहली बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत करके वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली चुनिंदा टीमों में से एक बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।